तो ये है कुछ व्यू अपना, नीचे से एकदम व्यू चेंज हो जाता है, ऊपर से देखने में, नीचे से देखने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है इस जगह को। तो यहाँ की काफ़ी ज़्यादा वीडियो निकाली हुई है मैंने, ये वाली। हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस, आज का जो प्लान है वो है फिर से एक बार अपने गांव घूमने का, मतलब आज फिर से अपने गांव जाएंगे। वो इस वजह से क्योंकि काफ़ी टाइम बाद वहां पे हिमांशु मुझे मिलने वाला है, नील मिलने वाला है, वो सब इधर उधर हो गए थे बीच में अभी। और सबसे अच्छी बात आज ये होने वाली है कि बहुत टाइम बाद मैं साइकिल से जाने वाला हूँ। बहुत टाइम से मेरी साइकिल ऐसे ही खड़ी हुई थी, इसका यूज़ नहीं हो पाता क्योंकि टाइम इतना ही लग पाता कि साइकिल से कहीं जाया जाए, ऐसा माहौल नहीं मिला मुझे कि साइकिल से कहीं जाया जाए, तो आज वो टाइम आ गया। और कितने दिनों में, मतलब लगभग एक डेढ़ महीना हो गया, इस बीच अपनी साइकिल की हालत थोड़ी गंभीर हो गई, थोड़ी गंदी हो गई क्योंकि यहाँ पे धूल वगैरह काफ़ी ज़्यादा आती जाती रहती है। तो अभी मुझे सबसे पहले अपनी साइकिल को तैयार करना होगा, थोड़ा सा साफ़ सफाई करनी होगी, धुलाई वगैरह नहीं करूँगा, उसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा, लेकिन अभी थोड़ी देर में ही निकलना होगा। तो थोड़ी सी तैयार कर लेते अपनी साइकिल को, और जब चलेंगे तो आज पूरा इन्जॉय करेंगे। पता नहीं आज कौन कौन सी जगह आज हम विजिट करेंगे, अपने गांव की कुछ और नहीं है अच्छी जगह आपको दिखाएंगे। लास्ट टाइम जब हम गए थे तो हम एक टेंपल में गए थे, जो अपने बुरजिंग देवता का टेंपल, थोड़ा सा गांव का टूर कराया था। तो आप वो वीडियो देखना चाहें तो ऊपर आई बटन पर आपको मिल जाएगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। ओके गाइस, तो अभी मैं साइकिल तैयार कर लेता हूँ और यहाँ से निकलता हूँ। गाइस, तो अभी की जो साइकिल की कंडीशन है कुछ इस तरह की है, काफ़ी ज़्यादा धूल लग चुकी है। कुछ जो बैक लाइट वगैरह, टेल लाइट वगैरह मैंने चार्जिंग पे लगा दी है, वो इस वजह से क्योंकि उधर से आने में थोड़ा सा ज़्यादा लेट भी हो सकता है, तो इवनिंग में लाइटिंग की ज़रूरत होती है काफ़ी ज़्यादा, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। ये वाली लाइट अभी चार्ज होगी, जहाँ तक मुझे उम्मीद है काफ़ी ज़्यादा चल जाती है, बैटरी बैकअप अच्छा है उसका। तो सफ़र करते हैं, उसके बाद देखते हैं इसका लुक कैसा आता है, थोड़ा सा कुछ चेंज होता है ऐसी लगती है। ओके, हे गाइस, नाउ आई एम रेडी टू गो। तो साइकिल तैयार हो चुकी है अपनी, थोड़ा सा मैं बस इसको जो लाइट है इसकी चार्जिंग लगा रहा हूँ इस वजह से कि अगर बाई चांस थोड़ी बहुत डिस्चार्ज हो गई हो तो आने जाने का काम कर जाए, तो थोड़ा बहुत चार्ज हो जाएगी। और इसका बैग खोल के देख लेते हैं एक बार बैग में, जब से साइकिल यूज़ करनी मतलब खड़ी रही उसके बाद मैंने बैग भी नहीं खोला इसका। वैसे एक टूल कार्ड होना चाहिए जहाँ तक मुझे उम्मीद है, जो हमेशा रखता हूँ मैं हमेशा, जैसे कि हाँ है मेरा टूल कार्ड, इसमें आपको दिखा देता हूँ। मैंने ये वो निंजा कार्ड होता है ना, उस टाइप का कार्ड है ये रहा निंजा वॉलेट कार्ड। तो इसका मैंने सिर्फ एक बार यूज़ किया था, ये काफ़ी ज़्यादा मतलब हेल्पफुल है साइकिल के लिए, तो बहुत सारे स्क्रूज़ वगैरह टाइट कर सकता है ये, और भी बहुत से काम में आ सकता है स्केल वगैरह आपके। तो उस टाइम पे क्या हुआ था, मैं ऑफ रोडिंग कर रहा था उस टाइम पे, गांव की साइड में ही या फिर ख़राब रोड पे साइकिलिंग कर रहा था उस टाइम पे, तो इसके ब्रेक वगैरह काफ़ी ज़्यादा ढीले हो गए थे, अभी भी ढीले हैं, तो इस कार्ड से टाइट हो जाते हैं। ओके, और दूसरा आइटम क्या है मेरा साथी, ये रहा आज के सफ़र का साथी मेरा, ये रहा मेरा स्पीकर। तो स्पीकर को लगाता हूँ मैं हमेशा से यहाँ पे, इधर ऊपर ऐसे इसके अंदर आ जाता है, यहाँ से मैं इसे कंट्रोल भी कर सकता हूँ, और मेरा फ़ोन या कुछ और सामान इसके अंदर यहाँ बैग में आ जाता है। तो पूरी तैयारी हो चुकी है, लाइटिंग वगैरह लगा दी मैंने, टेल लाइट। ओके, चलने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। साइकिल को साफ़ करने में ज़्यादा टाइम लगा, 10 से 5 मिनट के अंदर ही हो गई आज तो। ओके, चलते हैं फिर, चार्जिंग भी हो गई होगी इसकी, चल रही है वैसे। हे गाइस, बस एक लास्ट काम हो रह गया है, इसमें हवा और डाल लेते हैं, तो हवा डाल लेते हैं और फिर चलते हैं, अपना पंप अपने साथ है। तो ज़्यादातर मैं हाथ से पंप डालना पसंद करता हूँ, मुझे पंप पसंद है, बाहर भी मतलब मैं पंप का यूज़ करता था क्योंकि थोड़ा सा अच्छा लगता है पंप यूज़ करना, मुझे बॉडी वर्किंग होती है, मतलब बॉडी काम करती है, थोड़ा सा हीट हो जाती है सर्दी में, तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है, तो एक तरह से वार्म अप बोल सकते हैं पंप से हवा डालना। हे गाइस, नाउ आई एम गेट रेडी टू गो। साइकिल में मैं सवार हो चुका हूँ और चलते हैं। तो गाइस, आपसे एक चीज़ शेयर करनी थी, मैं जो ये ब्लूटूथ स्पीकर यूज़ करता हूँ वो क्यों करता हूँ, जैसे कि मेरे पास ब्लूटूथ ईयरबड्स भी है, ईयरफोन भी है, और भी ब्लूटूथ के आइटम है,
जो मतलब कान में पहन सकते हैं लेकिन वो सही नहीं है, खासकर साइकिलिंग करते हुए या रनिंग करते हुए है। रनिंग करते हुए शायद सही हो पार्क वगैरह में, लेकिन ऑन रोड बिल्कुल भी सही नहीं है, काफ़ी ज़्यादा खतरा बढ़ जाता है क्योंकि पीछे की जो वाहन आ रहा है, पीछे जो गाड़ियाँ चल रही है उनकी साउंड नहीं आती, कोई हॉर्न दे रहा है साइड या कुछ बात हो जाए, तो उस जगह मैं वो प्रेफर नहीं करता बिल्कुल भी, मैं खुद यूज नहीं करता इसलिए ब्लूटूथ स्पीकर, क्योंकि इसकी साउंड जो है ना लिमिटेड है, चारों ओर सराउंडिंग साउंड है तो पूरे एटमॉस्फेयर की साउंड सुनाई देती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई वाहन आ रहा है या कोई गाड़ी हॉर्न दे रही है तो साइड में इजी पता चल जाता है कि कुछ आ रहा है या कोई हॉर्न दे रहा है। लेकिन अगर ईयरबड्स वगैरह यूज़ करते हैं तो उससे पूरे हमारे कान कवर हो जाते हैं, पूरा म्यूज़िक सुनाई देता, बाहर का कुछ सुनाई नहीं देता, तो उसमें थोड़ा सा खतरा बढ़ जाता है। हाँ वो आपके ऊपर डिपेंड है आप किस प्लेस पे हो, क्योंकि मेरा जो आसपास का एरिया है बहुत ही ज़्यादा ऑन रोड वाला एरिया, काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ ट्रैफिक रहता है, तो आप भी अपने अकॉर्डिंग देख लेना कि आप किस एरिया में हैं या फिर आपके आसपास का माहौल कैसा है, और सावधानी जरूर बरते। ठीक है, ये घर का सीन है तो इसलिए मैं शूट कर रहा था, और मैं ऑन रोड जैसे कि भीड़ भाड़ वाला एरिया अपना बक्सर चौक, यहाँ पर बिल्कुल भी साइकिलिंग करते हुए शूट नहीं करता मैं, जब आगे निकल जाता हूँ हमेशा मेरे जो पुरानी वीडियोज़ होंगी आप देखेंगे, जहाँ पे खाली रोड हो, जहाँ पे कंफर्टेबल लगे कि हाँ यहाँ से सही है, वहीं पे मैं ऑन करता हूँ कैमरा। ओके, क्योंकि साइकिलिंग करते हुए कैमरा ऑन करना थोड़ा सा ये भी टास्क रिस्क किया थोड़ा सा, लेकिन वही है कि थोड़ा समझदारी से और देख दाख के अपने आसपास, ताकि कोई आपकी गलती ना निकाल सके, तो ध्यान से बस ये बोलना चाहता, क्योंकि बहुत से लोग करते हैं। निकलते हैं यहाँ से, और जब भीड़ भाड़ से निकल जाऊँगा वहाँ से कैमरा ऑन करूँगा। ओके, वहाँ पे बात करूँगा आपसे। Hey guys, now just अभी मैं यहाँ पे आ गया, तो थोड़े से पसीने आ गए और यहाँ पे अभी कोई भी नहीं है, बुलाता हूँ फ़ोन करके सभी को आसपास कौन कौन है। अभी नील के घर आ चुका हूँ अंदर, हिमांशु का इंतजार कर रहे हैं, फिर चलते हैं कहीं। ये देखिए अपने नील मैच देख रहा है यहाँ अपना मज़े में, इसे बुला रहा हूँ आनिरा। Hey guys, यहाँ पे आपको एक चीज़ और दिखाने है, एक छोटा सा पप्पी ओरियो आपको मिलाता हूँ। ओरियो इधर देखो, देखो ये कौन है इधर, हाय बोलो। इसके फोटोज़ देखे होंगे आपने इंस्टा पे। ओके, तो बैक कैमरा ऑन करते हैं, इसको अच्छे से व्यू दिखाते हैं। ओरियो देखो, हे ओरियो इधर देखो, हाँ इधर आओ, इसको उठा लेते हैं यहाँ ऊपर ले चलते हैं। अरे ओरियो आ जाओ, हाँ ये रहा अपना ओरियो, चलो ऊपर चलो भाग के, चलो ऊपर जाओ, चलो 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 भाई, वार्म अप हो गया ओरियो का। अरे ओरियो के साथ थोड़ा खेलते हैं, इधर आ ओरियो, ये ओरियो का है, किसका है ओरियो का कपड़ा, मुझे नहीं पहनाना था। अरे इधर आ, अरे यार पे वेरी गुड, कहना मानता है अपना। इधर देखो इधर स्टैंड ये लेट गया, इसका तो फेस भी नजर नहीं आ रहा, इसको कैप्चर करने की कोशिश कर रहा हूँ, कहाँ है इसका फेस। ओके ओके ओके, नजर आ गया, इसके पंजे कहाँ हैं, छोटा सा नन्ना सा। अरे जीभ निकालो, हो रही हो टीथ दिखाओ अपने,
ते दिखा आ कर दो आ कर दो आ करो आ करो और आ आ आ करो आ ओरे रे कहाँ गया है ये रहा आप आ करो चलो भाई और आराम करने देते इसे परेशान नहीं करते गाइस यहाँ धीरे धीरे यहाँ माहौल बनता हुआ सब आ गए हैं अभी रवि भी आ गए अपने साथ और ये तो था ही नील हो गया हिमांशु आ रहा है राजा भी आ गया तेरा बहुत देर से इंतजार चल रहा नीचे वो रखी बिरयानी लिया दोनों खाएंगे जल्दी बिरयानी हाँ भाई बिरयानी रखी मैं तेरा ले आया मैं लेकर आया तेरे लिए जल्दी जा तो मेरे लिए लेकर आया हाँ तो दोनों खाएंगे जल्दी जा चल खा लिए जरा सी बिरयानी यार तो जरा सी क्या हो गया बिरयानी खिला खाएंगे चल जितनी आएगी छिना झपटी नहीं धक्का मुक्की नहीं सबको मिलेगा धक्का मुक्की नहीं हमारी छिना झपटी नहीं हमारा ओके उल्टा जा मैंने जैसे प्यार को कह दी ना वो तो उसमें सजा है उससे बड़ा जैसे कह दी ना प्यार है मुझे तुमसे शादी कर लो या फ्रेंडशिप कर लो दुश्मन है यहाँ पे राजा अपना ज्ञान देते हुए थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करते अपनी लाइफ का कुछ ओके आ जा भाई आ जा भैया की बिरयानी का ब्लॉग बनाना पड़ेगा यार सब्सक्राइबर की डिमांड आ रही है यहाँ के घर पे बाहर जाम लग गया मौत के फरिश्ते फंस गए थे यहाँ पे तो घर से निकला है पैदल ही घूमते हुए लेकिन प्रॉब्लम ये है कि एक साथी हमारा रह गया रवि कि उसे कहीं जाना है जल्दी इधर उधर हिमांशु को ढूंढते हुए इसका घर यहीं है आए नहीं फ़ोन कर रहे थे उसे इतनी देर से अब उसे सुनाएंगे थोड़ा सा अच्छे से एडिट कर दी भाई थोड़ा फिल्टर लगा दिए इसमें ब्लैक आ रहे हैं ये कुदरती खूबसूरती है अगर तुम नहीं नहाओगे तो इसमें भैया कुदरत कुछ नहीं कर सकती फिर यहाँ पे थोड़ा सा शानदार व्यू देखने को मिलेगा अच्छा सा लगता है अमेजिंग सा पीछे मुड़ जाते हैं ऊँचा नीचा सा अपना गाँव जैसा भी यही है तो हिमांशु के पास चलते हैं वहाँ से दिखाते हैं थोड़ा सा आज पैदल चल रहे हैं तो थोड़ा सा अच्छे से व्यू दिखाते हैं इधर का उपले की फैक्ट्री लगी हुई है यहाँ पे बहुत सारे उपले हैं जैसे कि आप देख सकते हैं पीछे अब तो भी थोड़े उपले देखे हुए बहुत दिन हो गए जब से गुस्से हाँ उपले देख लो गाइज बस आज यही है दिखाने के लिए कुछ स्पेशल नहीं है जो है यही है कुछ तो अपने आस पड़ोस के देख के खुश हो जाते हैं कि हमारे उपले अपने गुस्से आ रहे हैं वीडियो में ज़्यादा शूट किया हुआ है पहले तो कुछ खास नहीं है बस वहीं तक चल रहा है तो गाइस ज़्यादा कुछ तो नहीं आज लेकिन मैं थोड़े से रास्ते दिखा सकता हूँ जो ऊंचे नीचे रिस्की रास्ते हैं थोड़े से अजीब अजीब से छोटे छोटे बड़े बड़े जैसे कि आप ये रास्ता देख सकते हैं काफ़ी चौड़ा है लेकिन काफ़ी ज़्यादा डरावना है जैसे यहाँ से गाय बाइक या गाड़ी लेके जाते हैं तो बहुत स्पीड से जाती है लाने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा पावर लगानी पड़ती है तो गाइस ये जो आप देख रहे हैं ये भी अपने गाँव का एक रिस्की रास्ते में से एक है थोड़ा सा उबड़ खाबड़ ख़राब सा है इधर से गाँव का शायद मुझे याद नहीं कि मैंने पहले यहाँ पर शूट किया है या नहीं लेकिन आज आया हूँ तो इधर की साइड तो दिखा देता हूँ आपको इस तरह से आप देख सकते हैं इधर खाई सी है नीचे आप देख सकते हैं और रास्ता कुछ इस तरह से नीचे से अलग ही व्यू आएगा इस रास्ते को देखेंगे आसपास का नज़ारा देख सकते हैं कुछ घर वगैरह इस तरह से इस तरह का डिज़ाइन बना हुआ है यहाँ इधर की साइड कुछ ऐसा है जड़ों ये जड़ है पेड़ों की इसी की वजह से खेड़ा अभी तक टिका हुआ कि ये इसने जो ये मिट्टी वगैरह पकड़ी हुई है और नीचे चलते हैं नीचे से मैंने कई बार आपको व्यू दिखाया इसका पीछे काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत नज़ारा अपने खेतों का एक रास्ता और है वो भी दिखाएंगे आपको काफ़ी अच्छा लग रहा है थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा सा पहाड़ तो अपने आसपास है नहीं लेकिन इससे थोड़ी बहुत फीलिंग आ जाती है अपना देसी गाँव वाले देसी पहाड़ ओके तो ये है कुछ व्यू अपना नीचे से एकदम व्यू चेंज हो जाता है ऊपर से देखने में नीचे से देखने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है इस जगह को तो यहाँ की काफ़ी ज़्यादा वीडियो निकाली हुई है मैंने ये वाली आज पैदल आए हुए हैं तो अच्छे से हो जाएगा
इधर सरसों का खेत, काफ़ी सुंदर नज़ारा। इधर एक हाथी भी है, किड्स स्कूल है। थोड़ा जूम इन करता हूँ, आपको नज़र आ जाएगा, यहाँ पे किड्स स्कूल है। ओके गाइस, तो थोड़ा सा इसके बारे में शेयर करना चाहता हूँ। आप देख सकते हैं इधर की साइड, इसमें कुछ सीक्रेट चीज़ें भी हैं जो मतलब मैंने पहले भी कोशिश की जानने की, लेकिन अभी तक नहीं जान पाए। इसमें बहुत सारी ईंटें, पत्थर, हड्डियाँ, गड़े मट्टे दबे हुए हैं। ये पता नहीं कहाँ चाहिए, पूरे ही जो है अंदर तक भरी हुई है, वो सब देख सकते हैं। हिमांशु कॉल कर रहा है, वो आ रहा है उधर से, आएगा भी। हे गाइस, तो अभी हम आ चुके हैं अपने जो भूसिंह देवता हैं, तो इसके पीछे से जो रास्ता है साइड से, उससे आगे बढ़ रहे हैं। अब हम जा रहे हैं एक क्रिकेट पिच देखने, अभी नया तैयार हुआ है, गांव के लोगों ने तैयार किया है। तो यहां का एक सुंदर सा व्यू आपको दिखाते हैं। दोनों साइड पेड़ हैं, छोटा सा रास्ता है। Getting through all the bad times with you. I wasn't missing a thing, no, I do. And I wish that I could build a time machine. Cause time moves on, and now you're gone. Oh, if only I could build a time machine. Get you, I can't forget you. मैं बोल रहा हूँ, मैं बोलूँगा। चल, हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आई एम हीरो ऑफ माय लाइफ। ये हमारे हिमांशु दोस्त जो घर से आ चुके हैं यहाँ पर, ये भी थोड़ा रेडी होकर आए हैं और हम दिखा रहे हैं आपको कि खूबसूरत नज़ारा। ये हमारे ग्राम मुजफ्फरनगर सैनी किस तरीके से बसा हुआ है, रोड पर स्थित है, मेरठ जिले के अंदर, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य में आता है। व्लॉग शूट करें भाई साहब, न्यूज नहीं दे रहे, समाचार पत्र वाले नहीं है हम। आज हम दिखाएंगे आपको और बहुत सारी चीजें, लेकिन बने रहिए हमारे साथ चैनल पे आई एम हीरो ऑफ माय लाइफ। यार तो हमारे व्लॉग्स हो गए, चैनल का नाम।